महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान नागपुर के स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला में कॉलेज के छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बी क्रिएटिव बी कॉन्फिडेंट विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बी क्रिएटिव के तहत इस वर्कशॉप में मशहूर डिजाइनर और उद्यमी नियति पाठक ने क्रिएटिविटी क्या है, अपने अंदर की रचनात्मकता को कैसे पहचाने, रचनात्मकता को कायम रखने के लिए क्या करें, इस पर विशेष जानकारी दी। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उपस्थित विद्यार्थियों ने अपने अंदर की रचनात्मकता को पहचाने का प्रयास किया। बी कॉन्फिडेंट के तहत प्रसिद्ध व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक पारुल आर्य ने दैनिक जीवन में तनाव कैसे दूर करें, सुबह खुद को कैसे खुश रखें, व्यक्तित्व के घटकों के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, अपना ख्याल कैसे रखें, इस पर विशेष जानकारी दी। Now what do you mean by monotonous session? Speaker बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ स्पीकर ही बात कर रहा है और बाकी सारी ऑडियंस यहाँ पर बात ही नहीं कर रही। I want my audience to be super active. I want them to participate when I'm going to ask them questions. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. I'm sorry for the loud. मैं डेली बेसिस पर मैं लोगों के साथ कौन सी भाषा में इंटरेक्ट करती हूँ? इंग्लिश में। इसलिए मुझे उस चीज की क्या है? हैबिट है। तो जब आपको नॉलेज के साथ आप हैबिट को मिक्स कर लेंगे तो आप उस पर्टिकुलर टास्क, उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर डोमेन में क्या हो जाएंगे? कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है अपने आप को क्या करना, मार्केट में सर्वाइव, सस्टेन और ग्रो करवाने के लिए। सिर्फ सर्वाइव करवाने के लिए क्या, सिर्फ सस्टेन करवाने के लिए क्या, या फिर ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है। इस अवसर पर संस्था की स्थानीय प्रबंधन समिति की सदस्य मधुबाला साहू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें रचनात्मकता के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नियमित प्रयास करना चाहिए। उत्तर नागपुर रोटरी क्लब अध्यक्ष पूजा खत्री ने प्रभावी संचार के लाभों पर मार्गदर्शन किया। इस दौरान महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान नागपुर प्रकल्प की स्थानीय प्रबंधन समिति की सदस्य सुरेखा सराफ, मधुबाला साहू, नागपुर बीआरडीएस सेंटर के प्रोफेसर प्रदीप भट्ट, उत्तरी नागपुर रोटरी क्लब की अध्यक्ष पूजा खत्री सहित विशाल भट्ट ने लाभ के बारे में मार्गदर्शन दिया। जहां संपूर्ण कार्यक्रम और महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के अग्रिम इतिहास के विषय में जानकारी दी संस्था की प्रबंधीय सदस्य सुरेखा सराफ एवं मधुबाला साहू ने। ये जो वर्कशॉप हम आज करने जा रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऐसा स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं। ये महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था है, धोंडो केशव कर्वे भारत रत्न, उन्होंने 127 साल पहले ये संस्था महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए स्थापित की है। चार विधवाओं को लेके उन्होंने ये संस्था स्थापित की हुई है, लेकिन आज इस संस्था में 35,000 गर्ल्स पढ़ाई कर रहे हैं और 65 यूनिट्स चलते हैं एजुकेशन के। इसमें बालवाड़ी लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरे कोर्सेस यहाँ पे चल रहे हैं। आज का वर्कशॉप लेने का उद्देश्य यही है कि महिला स्टूडेंट अपने बलबूते पे कैसे खड़े रह सकते हैं, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए। आजकल की लड़कियाँ थोड़ा सा ग्रामीण भाग की होगी, ऐसी होगी तो थोड़ा सा कम इसमें जाते हैं, इसीलिए हमने यह आज का वर्कशॉप अरेंज किया है। 2022 से महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था में सॉफ्ट के माध्यम से नागपुर में फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज की शुरुआत हुई और इसी के माध्यम से हम काफ़ी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और अपना जो ट्रेडिशन है, अपने जो कल्चर है, अपना जो फैशन है, वो लोग हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उसको समझे कि जो आज के 1,000, 2,000, 3,000 साल पहले जो फैशन था वो कैसे चलता था और आज के फैशन को ये मर्ज कैसे करता है। ये दोनों चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए जो फैशन टेक्नोलॉजी नागपुर में शुरू हुई है सॉफ्ट नाम से, तो इसके अंतर्गत ऐसे अनेक विविध प्रोग्राम होते हैं जिसमें एक हमारा ग्रीन फैशन इंडिया कुछ दिनों पहले हुआ और आज का ये प्रोग्राम है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ये प्रोग्राम हो रहा है महर्षि कर्वे में। तो मैं अनुरोध करूंगी आप आइए, ज्वाइन करिए हमारे इस प्रोग्राम में।
इस कार्यशाला में फैशन टेक्नोलॉजी स्कूल की प्रभारी प्राचार्य कृपा सावलानी, नागपुर परियोजना के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आनंद काले, शासकीय कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीताबर्डी के निदेशक अशीर कड़े, मेघा कुहाल, ऐसी बालक एवं कन्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौरा की निदेशक अनीता आनंद और प्रोफेसर अश्विनी चकुले, शिवानी बोरीकर, श्वेता विघ्ने, केतन रोड़े, गायत्री मंजर खेड़े, तेज राम वाहिली ने सहायता की। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से यकीनन शिक्षा के साथ साथ रोजगार योग्य बनाने का कार्य भी संपन्न होगा, ऐसा विश्वास फैशन टेक्नोलॉजी स्कूल की प्रभारी प्राचार्य कृपा सावलानी ने व्यक्त किया। स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नागपुर में हम लोग हमेशा एक नए उद्देश्य से कुछ इवेंट्स करते हैं। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि जैसे हम जानते हैं कि एजुकेशन लाइन में बहुत सारे अलग अलग लाइन्स है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये फील्ड का अवेयरनेस सभी के पास बहुत अच्छे से है, सबको इसकी जानकारी है, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के क्षेत्र में आगे क्या करियर हो सकता है, क्या स्कोप हो सकता है, इसकी अवेयरनेस को और बड़ी लेवल तक हम स्प्रेड करना चाहते हैं। और उसी उद्देश्य से आज हमने यह वर्कशॉप रखा है, जिसमें हम बताएंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के जो मुख्य दो पार्ट है, लाइक एक क्रिएटिविटी, बी क्रिएटिव एंड बी कॉन्फिडेंट, आज के वर्कशॉप का हमारा टाइटल है। तो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में अगर ये कॉम्बिनेशन रहता है, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस, लाइक उसमें जो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये कॉम्बिनेशन को सेट किया जाए, तो हम बहुत बड़ी लेवल पे फैशन क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। हमारे स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो एक इंडस्ट्री लेवल तक उनका एजुकेशन होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज को ऐसे कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव स्टूडेंट्स मिलते रहे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्रभारी प्राचार्य कृपा सावलानी, सूत्र संचालन प्रवीण किडाम एवं शरायु पत्रा इनो ने, तो वही अश्विनी चकुले ने सभी उपस्थित गणमान्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर बीए फैशन डिजाइन प्रथम एवं द्वितीय साल की और एमकेएसएसएस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं, बीआरडीएस सेंटर की छात्र, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, साथ ही विभिन्न कॉलेजों के छात्र और फैशन क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और प्रशंसक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।